सांसद और उनके कार्यकर्ताओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, कैमरे पर जवाब देने में हड़बड़ाते बार बार नजर आए। नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। खबर रोहतास जिले से आ रही है कि रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित आरटीपीएस कार्यालय में एक कार्यक्रम में पहुंचे काराकाट सांसद और उनके कार्यकर्ता व प्रशंसक सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। वहीं जेडीयू के कई कार्यकर्ता कोरोना महामारी को ध्यान न रखते हुए दो गज की दूरी का ध्यान रखना भी भूल गए। सरकार लगातार आम से खास सभी लोगों को बार बार निवेदन कर रही है कि मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की बात, लेकिन सांसद महोदय और उनके कार्यकर्ता व प्रशासक ही सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे थे। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर रोहतास जिले से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा के साथ। वहीं जब पत्रकारों से उनकी बातचीत हुई तो सांसद महाबली सिंह ने कहा कि कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव तो होगा ही, इस बार के चुनाव में ना कोई सभा है और ना कोई रैली। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के बाद पर घबराते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, और जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, मैं बार बार सभी लोगों को आग्रह भी कर रहा कि लोग सोशल डिस्टेंस का बातों को ध्यान। काल चल रहा है, ऐसे में विधानसभा चुनाव भी होना है, क्या ये सही निर्णय है? देखिए, विधानसभा का चुनाव सही समय पर इसलिए होगा कि विधानसभा का चुनाव नहीं होगा तो राजनीतिक संकट खड़ा हो जाएगा ना। तो इसमें कोरोना है, कोरोना में हम लोगों को सावधानीपूर्वक सारा काम करना है। जिस तरह से गाइडलाइन सरकार बनाया है, चुनाव होगा कोई नहीं, दो गज के दूरी पर लाइन में खड़ा होना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज कराना है, तो उससे कहीं नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, यही है कि बड़ी बड़ी सभाएं हम लोग रैली करते थे, डोर टू डोर मिलते थे भीड़ के साथ, वो नहीं। सर, इस बार के विधानसभा चुनाव में जदयू पार्टी की क्या तैयारी है? तैयारी तो आज पूरे चुनाव में हम लोग तो सालों भर तैयारी है नहीं, जैसा कि तेजस्वी यादव लगातार चैलेंज कर रहे हैं नीतीश कुमार को, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या लगातार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं? अरे, करने से बोलने से नहीं होता है, तो जनता जवाब देती है। इस बार तो उन लोगों को सब पता चल जाएगा कि क्या मामला है, जवाब देने से क्या होगा। हम लोग काम के आधार पर वोट मांगेंगे, बिहार की जनता तैयार है, बिहार में जितना काम हुआ है हम लोग काम के आधार पर वोट मांगे, और दो सबसे ज़्यादा हम सीटें जीतेंगे, सामने आ जाएगा। सर, अभी इस कार्यक्रम में हमने देखा कि सोशल डिस्टेंस की घटिया उड़ाई जा रही है। सब लोग मास्क लगा के थे, सब लोगों को हमने कहा कि डिस्टेंस रहिए, इसीलिए तो हम, लेकिन लोग तो सोशल डिस्टेंस के साथ घटिया उड़ा रहे हैं। अब तो स्वयं देख रहे हैं, सारे लोग मास्क लगा के काम होगा, लेकिन जो गाइडलाइन है सरकार की कि मास्क लगा के रहिए, दो गज के दूरी पर रहिए, तो हमने तो वहाँ पर दो गज के दूरी पर हमने कुर्सी लगवाया था, ऐसा बात नहीं, कुर्सी लगा हुआ था, लेकिन भी आप देख सकते हैं कि आपके सामने लोग नहीं, जो हम थोड़े जुटाए तो आप लोग जुटाएंगे, हम क्यों जुटाएंगे, इन लोग आप लोग ये आपके कार्य करता है, सारे लोग मास्क लगाए हैं, ठीक बात है, लेकिन डिस्टेंस नहीं, लेकिन हम लोग सब लोगों को समझाते हैं कि मास्क लगा के रहिए, दो गज के दूरी पर रहिए, सारा काम करिए, अगर नहीं करेंगे तो सरकार का इतना पैसा इस पर बर्बाद हो जा रहा है, टीवी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, पेपर से लेकर सबको समझाया जा रहा है, अगर लोग नहीं मानता है तो अब तो सारे लोग उसको दुख भोगेंगे, इसका सारे लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि अगर लोग मानते तो हम फिर लॉकडाउन लगाने की क्या जरूरत है, हम तो समझाएंगे, लोगों को समझाया जाएगा ना, अब समझ नहीं रहे इसलिए फिर लॉकडाउन लगाना। ये आपके कार्यकर्ता लोग हैं, आपके प्रशंसक लोग हैं, और ये सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इन लोगों को आप क्या कहें? सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हम जहाँ थे वहाँ दो गज के दूरी पर कुर्सी लगा हुआ था और सारे लोग मास्क लगा, कोई भी मास्क का नहीं था, अब यहाँ आप लोग भीड़ खड़ा कर